जय हिंद साथियों, आप सब देख रहे हैं एग्जाम टूर, देख सकते हैं अभी बीपीएससी का एग्जाम बीता हुआ है, तो आप देखें क्वेश्चन को तो आपसे बता देंगे। 68वीं का क्वेश्चन आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है उन सभी से अलग है। इसमें आपको सबसे अलग बात देखने को मिलेगा, आज तक जो भी आप सेट प्रैक्टिस किया है उस सेट प्रैक्टिस के अलावा ये एक नया चीज़ है जिसमें आप क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, पहला था ग्रुप ए का है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया, तो आप देख लें ब्रिटेन है, यूएसए, फ्रांस है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। यानी कि अब इस बार क्या हुआ था, थोड़ा सा चेंजेस देखने को ये मिला कि तीन ऑप्शन दिया गया था और उसके बाद एक में लिखा गया था, पहले जैसा नहीं कि ई ऑप्शन जो होता था उसमें दिया जाता था उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये नहीं यहाँ पे दिया गया था एक में उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ए बी सी डी में आपका दिया हुआ था, चौथा जो ऑप्शन था उसमें दे रहा था उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन जो ई था उसमें दिया जा रहा था उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इससे पहले आप लोग लगातार जो कमेंट कर रहे थे, लगातार जो आरोप लगा रहे थे बोर्ड पे कि छः छः ऑप्शन दिया जाता है, तो इस बार एक और आपको चेंजेस देखने को मिल गया और ये चेंजेस आप देख सकते हैं किस तरीका से है। पहला क्वेश्चन था ये सेट ए का है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो कानून के समक्ष समानता है समानता है वो कहाँ से लिया गया है, दूसरा था भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा, और एक तीसरा क्वेश्चन था राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 73वां संविधान संशोधन से था, यहाँ पे देख सकते हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को लेकर था, निम्नलिखित संबंधों में सर्वोच्च न्यायालय से पूछा हुआ था, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है पंचायती राज का तो उसका आयु कितना होना चाहिए। इधर क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन बढ़ेंगे उस तरीका से क्वेश्चन जबरदस्त आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो भी अभ्यर्थी हैं यदि एग्जाम नहीं दिए हुए हैं तो प्रश्न को देख लें, इसी टाइप से प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न बहुत अच्छा था, इसमें कट ऑफ बहुत गिर जाएगा, जो भी अभ्यर्थी हैं उनका कट ऑफ इस बार बहुत नीचे जाएगा, यदि आप सही से 75-80 भी किए हुए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इस बार निगेटिव था। आप देख सकते हैं जितना जाइएगा, खासकर आपसे बता दें बिहार का जो डाटा दिया गया था उसके बाद आपका जो केंद्र का जो डाटा था वो बहुत महत्वपूर्ण डाटा था, यहाँ पे देख सकते हैं एक से बढ़ के एक क्वेश्चन था। तो यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे आप कितना क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। दूसरी बात बता दें, सबसे पहले एग्जाम टूर आप लोगों को आंसर की जारी करेगा, इसलिए एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें और लोगों में शेयर करें। और एक बात मैं बता दूं आप सबके लिए, देख सकते हैं ये सेट ए का है, इसमें आप देखेंगे सभी प्रश्न है, चूंकि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। खास बात यह था इसमें चेंजेस देखने को मिला कि रीजनिंग भी इस बार डाल दिया गया था, मैथ के साथ साथ इस बार रीजनिंग भी डाला गया था और ठीक ठाक रीजनिंग भी दिया गया था, आप देख सकते हैं इस तरीका से। आप देखेंगे जनगणना से भी प्रश्न था, प्रश्न तो सभी जगह से उठाए गए थे लेकिन प्रश्न बहुत ज़बरदस्त था, इस बार तुक्का काम नहीं करेगा, इस बात को आप समझ लें। जो लगातार अतुल प्रसाद जी के द्वारा बोला जा रहा था और उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जा रहा था उसमें जरूर चेंजेज मिले और बहुत सारा चेंजेज मिले, यदि आप सावधानी पूर्वक नहीं बनाए होंगे तो बहुत सारा गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये आप संपूर्ण क्वेश्चन 150 का 150 मैं दिखा रहा हूँ और बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन आप एग्जाम टूर के माध्यम से एग्जाम टूर का टीम के द्वारा तैयार किया जा रहा है, उसको देने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप को अच्छा लगे एग्जाम टूर का काम तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। ये ग्रुप ए का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजनिंग पहले नहीं दिया जाता था लेकिन इस बार रीजनिंग भी दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे फिर एक मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स आसान था, रीजनिंग भी दिया गया था, इस बार आप देख सकते हैं चेंजेज बहुत मिले हैं अच्छा तरीका से। ये देख सकते हैं पजल टाइप का भी दिया गया था, सिटिंग टाइप का यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस बार चेंजेज मिले हैं। तो यदि आप बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं तो आप जरूर बताएं कि इस बार आप कितना अटेम्प्ट किए हैं, यदि आप नहीं दिए हैं 69वीं देना चाहते हैं या 17वीं देना चाहते हैं 70, तो आप तैयारी में लग जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय